वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास परमजीत सिंह पट्टी, पिंड डसका, जिला संगरूर, तहसील लहरा गागा। हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच आपां मरीजां नूं मिलदे हां, जिहड़े छोटी तो लैके वड्डी बीमारी तक कई कई सालां तों एलोपैथी दवाइयां खा खा के अपने शरीर दा पैसे दी बर्बादी कर रहे आ, ठीक नहीं हो रहे। वो जरूर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैनूं मिल के अपनी नब्ज दिखा के अपना देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दे नाल इलाज करवा सकते हो। सो कोशिश ये करया करो जदों साडे कोल आउंदे अपने साधन ते आओ, क्योंकि संगत ज़्यादा आउंदी है साडे कोल तां फिर टाइम मुताबक ही वारी लगती है। सवेरे 6 बजे तो शाम के 7 बजे तक आपां मिलदे हां। इन्ने क टाइम च आपां जिन्ने मर्जी मरीज ने सब नूं कढ दईदा है, मिल लईदा है। सो कोशिश करो, जिहड़े कई कई सालां तों बीमारियां नाल जूझ रहे हो, वो जरूर ऐतवार नूं सानूं मिल के अपनियां बीमारियां दे इलाज करवा सकदे हो देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दे नाल। सो अज जिस विषय दे विच मैं तुहाडे सामने आया, वो बड़ा कईयां नूं वेख्या, मैं नौजवानों नूं भी, बजुर्गों नूं भी, अध खड़ वालियां नूं भी, कई बच्चों च भी दिक्कत आ जाती है। सो जिन्हां ने हले तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, वो जरूर इस चैनल दे हिस्सेदार बन जाओ, और तुहाडे स्क्रीन ते जो लाल बटन दिसदा इहनू दबा के नाल घंटी वाला बटन दबा के चैनल दे हिस्सेदार बन जाओ साडी टीम दे, तां जो हर एक वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। तुसीं आप भी उस तों फायदा लै लो और अगे भी शेयर करके, अगे भी उस ज्ञान नूं दस के होरां दा भी भला कर सको, क्योंकि कड़ी नाल कड़ी जुड़ के ही गल बनती है, डंडे नाल डंडा जुड़ के ही पौड़ी बनती है। सो आओ रल मिल के आपां सारे तंदुरुस्त आप भी होइए और अगे भी होरां नूं भी तंदुरुस्त करिए, क्योंकि कुदरत दे विच साडे सारे रोगों का इलाज है, कुदरत दे विच हर एक चीज़ का इलाज है। सो आओ आपां सारे रल मिल के बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे। इस शरीर नूं भी खोजो ते नाल कुदरत नूं भी खोजो, तुहाडा सारे हल, तुहाडे सारे रोगों के इलाज तुहाडी कुदरत दे विच हन। सो आओ रल मिल के आपां आप तंदुरुस्त होइए, होरां नूं अगे तंदुरुस्त कर सकीए। सो मणकियां दा गैब, रीढ़ दी हड्डी दा जो साडी मूल है, ये विच जदों भी कितें दिक्कत आएगी तो तुहाडे शरीर के जिन्ने अंग ने इहदे नाल जुड़े हुए है तो उहनां दे विच भी दिक्कत आएगी, उहनां दे विच भी खराबी आएगी। जिदा C1 तो C8 तक जदों इहनां दे विच, इहनां मणकियां दे विच कोई किसी भी तरह का गैब जां प्रॉब्लम आएगी तां तुहाडे गर्दन हो गई, मोढ़े हो गए, गुट हो गए, हत्थां दीआं उंगलां हो गईआं, इन्हां दे विच दिक्कतां आउणगीआं छाती तो उपर उपर। ते इसे तरहां तुहाडे रीढ़ दी हड्डी दे विच L1 तो S1 तक जदों दिक्कत आएगी, गैब आएगी इन्हां मणकियां दे विच, तां तुहाडे लत्तां हो गईआं, तुहाडा लक हो गया, तुहाडे पैरां दीआं उंगलां सौण दी, सुन्न होण दी, पैर सौण दी, लत्तां सौण दी, ये दिक्कतां आउणगीआं। किसी दी एक लक दे विच दर्द होएगा, किसी दे पूरे लक च दर्द होएगा, ये दिक्कतां आउणगीआं। सो किसी भी तरह का मणकियां दे विच गैब आ गया जां रीढ़ दी हड्डी दे विच किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ गई, नस दब गई है, तां उहदा बहुत ही सौखा आयुर्वेद दे विच इलाज है। तुसी आप करो, होरां नूं अगे दसो, क्योंकि कुदरत दे विच तुहाडे सारे ही इलाज हन। सो कुदरत दे विच बहुत कुछ पिया है यार, तुहाडी झोली दे विच असीं पाउण दा यतन कर रहे हां। जिन्ना क मेरे कोले ज्ञान है, मैं सोच रहा भी मैं अपने जिउंदिआं जिउंदिआं तुहाडी झोली दे विच सारा ज्ञान पा जावां, तां जो तुसी आप उस तों फायदा लओ, अगे होरां नूं इस नुक्तिआं दे राहीं फायदा मिल सके। घर घर दे विच वैद, घर घर दे विच डॉक्टर बने, तां जो असीं अपने इलाज आप करिए, अपने शरीर की देख रेख आप कर सकीए, अपने शरीर की तंदुरुस्ती रखने लिए आप यतन कर सकीए। सो बहुत ही खुशी हुंदी है जदों तुसीं अपने इलाज आप करके मैनूं फोन करके दस दिओ वी मैं इस बीमारी नाल इन्ने सालों तो लड़ रहा सी, तुहाडा दस्सिया नुक्सा वरत्या बिल्कुल ठीक हाँ अज, तां बड़ियां भयानक तो भयानक बीमारियां तो तुसीं आप खहिड़ा छड़ा रहे हो, अपने डॉक्टर आप बन के फिर अगे होरां नूं दस दिओ, किन्नी वधिया गल है। अपना समाज तंदुरुस्त होवे,
अपने आला दुआला तंदुरुस्त होवे, कोई दुखी ना आपां किसे नूं देखिए, सब नूं सुखी सुखी देखिए। सतगुरु कृपा करन, गुरु रामदास सारयां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। सो अज जो मणकियां दा गैब है, रीढ़ दी हड्डी दा कोई भी नुक्स है, नस दबी हुई है, लक दे विच ज़्यादा दर्द है, लत्तां दे विच किसी एक दी लत्त दे विच दर्द है, सर्वाइकल है, तुहानूं किदां दी भी कोई दिक्कत है, उहदे वास्ते बहुत ही सोहणा नुक्सा तुहाडा तुहाडे वर्तन वास्ते तुहाडी झोली दे विच पाउण वास्ते मैं आया। महापुरशां दा दस्सिया होया, अगर तुसी चाहुंदे हो सानू रीढ़ दी हड्डी दी कोई दिक्कत आवे ही ना, मणकियां दे विच कोई दिक्कत आवे ही ना, तां चूना तुसी हर रोज़ कणक दे दाणे जिन्ना दही दे विच, लस्सी दे विच, जूस दे विच, पानी दे विच मिला के दो टाइम सवेरे और दुपहरे लैणा शुरू कर दो, तां तुहानू कदे भी कोई हड्डियां दा रोग आ ही नहीं सकदा। चूना लैण दा तरीका तुहानू मैं पहलां भी दस चुके हां कि 100 ग्राम चूना लीटर पानी दे विच जां 2 लीटर पानी दे विच भिओ के रख दो, 4 दिन लगातार उन्हों सवेरे रोज़ हिला दिया करो, एक बारी पानी ते चूने नू मिक्स कर दिया करो, 5वें दिन हिलाना नहीं, कुछ नहीं करना, पानी नू नतार के डोल दिओ, चूने नू डब्बी दे विच भर के रख लो, कणक दे दाने जिन्ना सवेरे, कणक दे दाने जिन्ना दुपहरे, दही लस्सी जूस पानी इन्हां चों किसी भी चीज़ च मिक्स करके लैना शुरू कर दो, तां मैं गरंटी नाल कह सकदा तुहानू कदे भी कोई भी हड्डियां दा रोग आ ही नहीं सकता। ये तो है साडे बजुर्गां दा बहुत वधिया नुस्खा, सस्ता दस्या होया। इस तरह तुसी मेथी दाणा है साडे कोले बहुत सोहना, मेथरियां दे बीज 1 चमचा 1 गिलास पानी च रात नूं भिओ के रख दो, सवेरे उस पानी दे नाल ओह मेथियां नूं चब चब के खाणा शुरू कर दो, तां वी तुहानूं कोई बै दा रोग, वात दा रोग, हड्डियां दा रोग, जोड़ां दे दर्दां दा रोग, नस ब्लॉक दा रोग आ ही नहीं सकदा। इस तरह एक बूटा है हार शिंगार दा, परिजात भी कहिंदे आ इहनूं, हार शिंगार भी कहिंदे आ। सो इह बूटा भी तुसी घर दे विच लाओ, ते इस बूटे दे पत्ते भी तुसी 15-16 या 20 पत्ते लै के उहदी चटनी जी बना के 1 गिलास पानी च पा के उबाल लो, अद्धा रह गया जो उन्हें पुण के सवेरे खाली पेट पीना शुरू कर दो, तां वी तुहानूं हड्डियां दा कोई रोग नहीं आ सकता, जोड़ां दे दर्दां दा कोई रोग नहीं आ सकता, नस ब्लॉक दा कोई रोग नहीं आ सकता, शरीर दे विच वात नहीं वध सकदी। इह ते हैगे ने कुदरती इलाज, तुहाडे कोले बड़ा कुछ है यार कुदरत दे विच। सो जिन्हां नूं हो गया, हुण किसी नूं भी कोई नुक्स आ गया रीढ़ दी हड्डी दे विच, उहदे वास्ते महापुरशां दा दस्सिया होया नुक्सा तुसीं नोट कर लो। तुसी लैनिया हैगियां ने जी सारयां नालों पहला पिपला लाख, पिपल ते लगण वाली गूंद नूं कहिंदे आ पिपला लाख, एक जिन्नियां लैनिया ने 50 ग्राम ये लै लो। इस तरह अश्वगंधा, अश्वगंधा भी एक बहुत तकड़ी जड़ी बूटी है, ये भी तुसी 50 ग्राम लै लो। शतावर ये भी तुसी 50 ग्राम लै लो। मुसली सफेद ये भी तुसी 50 ग्राम लै लो। इस तरह तुसी सालम पंजा ये भी 50 ग्राम लै लो, और अर्जन दी शाल ये भी तुसी 50 ग्राम लै लो। इन्हां सारियां चीज़ां नूं तुसी बरीक पीस के पाउडर करके मिक्स करके रख लो। लैण दा तरीका हैगा जी, रोटी खाण तों बाद लैनी है दवाई, 1 गिलास दुध नूं उबाल लो, उहदे च 1 चमचा हल्दी देसी पा के, जिहड़ी घरे गंढियां वाली हल्दी वरतदे हो, ये हल्दी का 1 चमचा 1 गिलास दुध च पा के चंगी तरह उबाल लो। उदों बाद पुण के ये 1 चमचा देसी घिओ का मिला लो, तो उस तो बाद फिर 1 चमचा ये दवाई का तुसी सवेरे लेना है, 1 चमचा लेना है तुसी शाम नूं रोटी खा के, 2 टाइम ये दवाई लेनी है। तो पूरी रीढ़ की हड्डी के उपर एक चीज़ की तुसी मालिश करनी है, 2 चमचे लेने हैं शहद दे, 1 चमचा लेना है देसी घ्यो दा, ते 2 चमचे लेने हैगे है तुसी गंढे दा रस। इन्हां तिन्ना चीज़ां नूं मिला के मिक्स करके रीढ़ दी हड्डी दे उपर इहदा करना हैगा लेप, रात नूं सौण लग्यां इह तुसी उपाए इन्ना क इलाज शुरू कर दो। जिड्डा मर्जी मणकियां दे विच गैब आ गया, जो मर्जी तुहाडी नस ब्लॉक है, जिन्ना मर्जी तुहानूं कोई रीढ़ दी हड्डी दे विच नुक्स दस दिता डाक्टर ने,
मैं गरंटी नाल लिख के दे सकदा तुहानू कदे भी कोई भी ये रोग शरीर दे विच नहीं रह सकता इस नुक्ते दे नाल। पर आप वरतो फिर अगे दसो और जिन्ना हो सकता उन्ना अगे तो अगे ये ज्ञान नू वंडिया करो। ज्ञान वंडन दे नाल हमेशा वधदा तुहाडा ज्ञान दे विच वाधा हुंदा और तुहाडी हमेशा चढ़दी कला तद हुंदी है जदों तुसी किसी नू सुखी करन वास्ते चलदे हो, किसी की मदद करन वास्ते चलदे हो, किसी नाल मिल के चलण की गल करदे हो। सो सारे जने अज समाज इदां दा हो गया कि सतगुरु जी कहिंदे है नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहे हो कोई। अज ते दुनिया इदां दी हो गई भाई बंधी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया। अज ते भाई भाई दा नहीं रहा रिश्तेदार रिश्तेदार दा नहीं रहा। माड़ी जी कोई बिपता किसी ते पैंदी है नाल दी नाल सब छड के पासे हो जांदे आ भी कोई साडे तो कुछ मंग ही ना लवे किते। पर सतगुरु जी कहिंदे आ सब दे नाल रल के चल सजना, किसी गरीब की मदद कर, किसी रोंदे नू हसा, किसी डिगे नू उठा, किसी दुखी नू सुखी कर। ये उन्हां दा उपदेश है। तो आओ सारे रल मिल के आपां दुखी नू सुखी करिए, बीमार नू तंदुरुस्त करन दी अपनी ड्यूटी लगी है सतगुरु जी कन्नियों। आओ आपां सारी एक टीम वर्क करके एक टीम बना के काम करिए लोगों तंदुरुस्त करन दा, ये नुक्ते लोगों दियां झोलियां च पाउण दा जिन्हां नालों लोग टुट गए आ। देखो ये सारा कुछ पहलां भी सी जदों ऑपरेशन नहीं सी हुंदे, जदों कोई डॉक्टर नहीं सी हॉस्पिटल नहीं सी उदों वैद ही ये दुनिया नूं सांभदे सी। उदों दे नुक्ते ने कड़ा सी घरे बनाए हुए है तां इस करके उदों भी दुनिया नूं तंदुरुस्त रखिया जांदा सी। आ कोई एलोपैथी दवाइयां नहीं सी हुंदियां तां अज वी उह नुक्ते उदां ही कम करदे आ, पर तुसीं वरतने बंद कर दित्ते, कुदरत नालों दूर हो गए, पौद्यां दे नालों दरख्तां दे नालों तुसीं अपना मोह तोड़ लिया। बस आही साडा नुकसान है, इत्थे ही असीं मार खाने आ। सो आओ रल मिल के सारे कुदरत नूं भी साफ रखो यार, आला दुआला वातावरण भी साफ रखो, वध तों वध बूटे भी लाओ, वध तों वध बूटियां दी देख रेख भी करनी जरूरी है। वेखो बूटे ला देने ते उदों बाद उहदी देख रेख भी करनी है, उहनां नूं पालना भी है। तुसीं बच्चे पालदे हो ना, उह ते पता नहीं तुहानूं वड्डे हो के कोई फायदा करदे होणगे कि ना, पर जिहड़े दरख्त पालदे हो इह तुहानूं हर टाइम फायदा दिंदे आ। सो आओ साडे लाए हुए दरख्त नाल पता नहीं किन्नी क दुनिया ठीक हो जाए, तां इदां दे बूटे भी लाया करो, है ना जी। वध तों वध लोकां नूं प्रेरित करिया करो, आ देसी नुक्ते दस्या करो। अगला सुखी हो जाए यार, घर बैठा दुखी पिया वो तुहाडे दसण नाल ठीक हो जाए, एदों वड्डी सेवा कोई नहीं है। सो आओ रल मिल के आप सारे समाज नूं सारे देश नूं तंदुरुस्त रख सकी। अपना यही मिशन है, यही अपना काम है, यही अपना धर्म है। सो आओ सारे रल मिल के तंदुरुस्त होइए। बाकी गुरु रामदास सतगुरु जी कृपा करनगे, सब दे सिर ते मेर पर हथ रखणगे जी। सारी सृष्टि नूं तपदी सृष्टि नूं ठारन वाले मेरे सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने सब ते कृपा करनगे, सब दे उपर अपनी दृष्टि करनगे। जो आ करोना दा एक संकट आया होया, महामारी आई हुई है, इहनूं भी सतगुरु जी कट्टणगे। ते आपां तुहानूं दस दित्ता सी इस महामारी तो बचण वास्ते तुहानूं उपाए कुछ नियम, ये सारा कुछ तुहानूं पहलां दस्सिया ही होया। सो वार वार मैं दसण दा कोई ज़्यादा मतलब नहीं समझदा क्योंकि टाइम खराब हुंदा तुहाडा भी। सो तुसीं सारे जने देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां वरतनियां शुरू कर दो। तुसीं तुलसी कल्ली वरतनी शुरू कर दो तां तुहानूं आ जिहड़े फलू आउंदे आ वायरस आउंदे आ तुहाडे शरीर च आ ही नहीं सकदे। एड्डी वधिया पवित्र जड़ी बूटी साडे रिशियां मुनियां ने साडे पीरां फकीरां गुरुआं ने सानूं दित्ती है एक तुलसी। तुसीं घर दे विच बूटा ला दिओ, तुहाडे घर दे विच ऐसियां कोई किरणां नहीं आउणगियां तुहानूं नुकसान करन वालियां। तुसीं उहदे 5-6 पत्ते खा के उपर गलास गर्म पानी दा पीणा सवेरे खाली पेट शुरू कर दो, तां मैं चाहुंदा तुहाडे शरीर दे विच कदे कोई तुहानूं नुकसान करन वाला वायरस आ ही नहीं सकदा यार। एडा तकड़ा है तुलसी दा बूटा, है ना जी। ये जरूर प्रचार करिया करो। बाकी तुहाडा सब दा धन्नवाद जिन्हें जुड़े हुए हो। 2 लाख दे लवे पहुँचण वाले ने अपने टीम दे मैंबर, ये भी मैं तुहानूं सब नूं वधाई दिंदा। सो अगे भी वध तों वध जोड़िया करो, इस चैनल नाल जुड़न वास्ते भी वध तों वध दस्या करो तां जो अपनी टीम दे विच वाधा हो सके। सो तुहाडा सब दा धन्नवाद।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।